बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद अज़ीज़ और आज डॉक्टर विल्मा श्वाबे जर्मनी की जिस होम्योपैथिक प्रोडक्ट को मैं डिस्क्राइब करूंगा उसका नाम है PTK 77, जिसको PTK 77 भी कहते हैं। इसको आमतौर पर सेनेगा पेंटार्कन के नाम से जाना जाता है। PTK 77 का इस्तेमाल सांस की नाली या हवा की नालियों की पुरानी सोजश के लिए किया जाता है। PTK 77 की कंपोजिशन में जो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज़ किए गए हैं उसमें शामिल है सेनेगा क्यू, एंटीमोनियम सल्फ 3x, हेपर सल्फ 3x, नेफ्थालिनम 4x और स्टेनम आयोडेटम 3x। PTK 77 दायमी ब्रोंकाइटिस में मौसर है क्योंकि इसमें खांसी 3 माह से ज़्यादा जारी रहती है। तवील अरसे तक सिगरेट नोशी करने या नशा आवर अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से सांस की नाली मुतासर हो जाती है। PTK 77 सीने की जकड़न, तंगी और ख़ारिश के एहसास को ख़त्म करता है। PTK 77 सर्दी की खांसी यानी कि मौसम सरमा की खांसी में मुफीद है, जिसकी वजह से सीने में बलगम जमा हो जाती है। PTK 77 दायमी खांसी, तेज़ और खुशक खांसी या सांस की नालियों में तंगी को ख़त्म करता है। PTK 77 की खुराक का इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि एक गोली दिन में 3 बार इस्तेमाल की जा सकती है और बच्चों के लिए आधी गोली दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी चाहिए। PTK 77 आपको बाज़ार से 20 ग्राम की पैकिंग में टैबलेट फॉर्म में बआसानी दस्तयाब हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। अगर आप मज़ीद होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।